नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि विभिन्न विभागों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू अपॉइंटमेंट सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाने की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ हो चुकी है। और सबसे पहले जो कार्रवाई है पैरा टीचर्स की यहाँ पर की गई है, और पैरा टीचर्स को पाठशाला सहायक के पद पर नियोजन और मानदेय 21,000 रुपये करने का जो प्रस्ताव है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निदेशालय को भिजवा दिया है, यानी कि सरकार को भिजवा दिया है। सरकार की अप्रूवल मिलते ही वो लागू हो जाएगा, और मतलब जो पैरा टीचर्स हैं वो यहाँ पर पाठशाला सहायक के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो में मैंने बताया था कि पंचायत सहायकों को शिक्षा विभाग द्वारा समायोजित किया जा रहा है, और यहाँ पर शिक्षा विभाग ने कल उनकी सूचनाएं भी यहाँ पर मांग ली है, और जल्द ही प्रस्ताव बनाकर निदेशालय को भेजकर यहाँ पर जो है उनको भी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू अपॉइंटमेंट सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं बता दूँ, संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कार्मिक विभाग द्वारा करवाई जा रही है विभिन्न विभागों से, और इसकी जो समयावधि है वो टाइम बाउंड है, यानी कि समयावधि निर्धारित यहाँ पर की गई है। उसी समयावधि में जो है विभिन्न विभागों के जो कार्यालयाध्यक्ष हैं उनको कार्रवाई करनी होगी, और जो प्रस्ताव है वो कार्मिक विभाग को भिजवाना होगा। इसी कड़ी में 4 मई को यहाँ पर विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं उनके साथ मुख्य सचिव की वार्ता हुई, यहाँ पर बैठक हुई। इसी को लेकर मैं बता दूँ क्या प्रोग्रेस हुई, क्या यहाँ पर कितने जो संविदा कर्मचारी हैं उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू अपॉइंटमेंट सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लाया गया है, और कितने वंचित हैं, कितने बाकी हैं, इसको लेकर यहाँ पर कार्मिक विभाग एक बैठक का आयोजन यहाँ पर कर रहा है, जिसमें जो जिसकी जो अध्यक्षता वो मुख्य सचिव करेंगे। क्या कुछ है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्मिक विभाग ने एक मोस्ट अर्जेंट जो लेटर है वो 9 मई 2022 के माध्यम से निकाला है मीटिंग सूचना के नाम से। विषय यहाँ पर दिया है पूर्व में कार्यरत संविदा कार्मिकों हेतु बनाए गए नियमों के तहत लाए जाने की प्रगति के संबंध में बैठक। इन्होंने निवेदन किया है कि संविदा कार्मिकों की समस्याओं के निवारण हेतु कार्मिक विभाग द्वारा 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 जारी किए गए थे। इसी क्रम में पूर्व में कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने के संबंध में पूर्व में हुई बैठक दिनांक 4 मई 2022 सायं 5 बजे में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना की कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा हेतु पुनः मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आगामी दिनांक 11 मई 2022 को सायं 5:30 बजे शासन सचिवालय में जो रूम नंबर 1 है समिति कक्ष, उसमें यहाँ पर बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो विभिन्न विभागों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको भी अब राजस्थान जो पूर्व में कार्यरत हैं उनको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाया जाएगा, और इसी को लेकर 4 मई 2022 को सायं 5:30 बजे यहाँ पर बैठक हुई, और उस बैठक में यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इन कार्मिकों को इन नियमों के तहत लाया जाए, और जल्द से जल्द स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करके यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो निदेशालय को भेजे जाए। इसी कड़ी में क्या प्रोग्रेस हुई इसकी लेकर एक जो समीक्षा बैठक है मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में 11 मई 2022 यानी कि कल सायं 5:30 बजे शासन सचिवालय कमेटी रूम नंबर 1 में यहाँ पर आयोजित की जा रही है, और आप देख सकते हैं अतः कृपया उक्त बैठक में निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रगति रिपोर्ट के साथ भाग लेना सरकार जो शर्म है वो करवाएं। डॉक्टर मुकुट बिहारी जांगिड़ जो संयुक्त शासन सचिव हैं उनके हस्ताक्षर से लेटर जारी किया गया है। साथ ही इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिव पशुपालन विभाग, शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात और क्वेफ विभाग, और संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई और सूचना। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कार्मिक हैं, जो संविदा कार्मिक हैं, उनको यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू अपॉइंटमेंट सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत स्क्रीनिंग कर
अब नए नियमों के तहत लाने की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ की जा चुकी है, और दो तीन जो कार्मिक हैं उनकी यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो भेजकर निदेशालय बनाकर जो प्रस्ताव वो निदेशालय को भेजे जा चुके हैं। साथ ही अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए प्रति क्या प्रोग्रेस हुई, किन किन का प्रस्ताव यहाँ पर भेजा गया है, कितने पात्र हैं कितने अपात्र हैं, विस्तृत रूप से जो समीक्षा है वो 11 मई सायं 5:30 बजे यहाँ पर जो मीटिंग है उसमें यहाँ पर की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।